Now I would like to call our principal Sir Hafiz Zulfiqar Shahid to comment few words on the topic of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mu'azzaz usatiza kiram, अजीज़ तालबात, इससे पहला हिस्सा जो आपके सामने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया था, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा यानी हज़रत हाशिम से लेकर आपके वलादत तक के मामला जो थे, वलादत से कबल वलादत के मामला जो थे वो सामने पेश किए गए, जिसमें बड़े अहम वाक़यात भी थे और ये अल्लाह की तरफ से एक गैबी इशारा भी था, वो मौज़ात भी थे। वो असहाबे फ़ील वाला वाक़या, हाथियों वाला वाक़या जो आपके सामने आया कि ये एक पैगाम था पूरी की पूरी दुनिया को कि अन करीब इस सरज़मीन से कोई अहम वाक़या रूनुमा होने वाला है। यानी अगर इस सरज़मीन से कोई पैगंबर ये पैगाम लेकर निकलते हैं फलाह का, इंसानी भलाई का, तो ये 100% दुरुस्त होगा। ये मैसेज गैबी तौर पर कुछ वाक़यात के हवाले से अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखा दिए थे। फिर आपकी वलादत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपकी वालदा माजदा हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत होनी थी तो उससे कुछ अरसा पहले आप महसूस करती थी कि आपके कमरे में कुछ रोशनियाँ जगमगाती हैं। फिर आप बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब भी देखती थी और फिर आपने ख़ुद फरमाया कि एक दफ़ा रोशनियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे शाम के महल्लात जो थे वो नज़र आने शुरू हो गए। तो ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से गैबी इशारा था कि एक बड़ी ही नेक रूह जो है उसने पैदा होना है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी में सहरी के वक्त पर हुई और हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब आपकी पैदाइश होती है तो रोशनियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मुझे दोबारा जो है वो शाम के महल्लात जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और फिर आपने फ़ौरन आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम भेजा कि आपके यहाँ एक पोता पैदा हुआ है। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है वो फ़ौरन हज़रत आमना के पास आए और नन्हे हजूर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में उठाया और खाना काबा में ले गए। वहाँ पर दुआ की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। यह नाम अरबों में पहले मारूफ नहीं था, तो जब आपसे वजह पूछी गई कि आपने ये नाम क्यों रखा तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मुझे इस बच्चे के साथ इसका बड़ा ही अजीम मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, लिहाजा इसका नाम भी मैंने बड़ा सोच समझ के रखा है। एक रवायत में है कि हज़रत आमिना को एक ख्वाब आया जिसमें फरिश्ते ने आपको कहा था कि आपके यहाँ एक बड़ी ही नेकरूह पैदा होगी, तो आपने उसका नाम मोहम्मद रखना है। आपके इल्म में होना चाहिए कि आसमानों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले के चर्चे थे कि एक आखिरी पैगंबर इस सरज़मीन में पैदा होगा, ये खजूरों वाली सरज़मीन में, और आसमानों पर आपका नाम अहमद था। इसलिए आपको अहमद मुश्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो आसमानों पर आपका नाम अहमद था और ज़मीन पर आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। जितने भी इससे पहले आसमानी सहीफ़े उतरे, किताबें उतरी, उन सब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद था कि एक आखिरी पैगम्बर पैदा होंगे, ख़ातमुल नबिय्यीन, और वो खजूरों वाली सरजमीन में यानी ये हजाज के इलाके में पैदा होंगे। तो ये शहादतें तो अरसा दराज से चली आ रही थी। बहरहाल आपके पैदा होने के साथ कुछ अहम वाक़यात रूनुमा हुए। एक रवायत में है कि मजूसियों का आतिश कदा जो कि 24 घंटे आग जलती रहती थी वो सर्द पड़ गया। और एक दूसरी रवायत है जिसमें है कि किसरा के जो इवान-ए-किसरा के जो 14 किंगरे थे वो भी गिर पड़े। यानी ये एक रवायत मिलती है कि आपकी पैदाइश पर ये वाक़या भी रूनुमा हुआ। बहरहाल अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक़्त नन्हे हजूर हैं वो हज़रत आमना की आगोश में आ चुके थे। और अरबों में एक रवायत थी कि वो अपने बच्चों को दूर दराज सहराओं में भेज दिया करते थे ताकि वहाँ पर वो साफ़ सुथरे माहौल में परवरिश पाएँ। और दूसरी सबसे अहम बात कि अरबों को बहुत ज़्यादा शगफ़ था अपनी ज़ुबान दानी के हवाले से, तो वो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर प्योर अरेबिक ज़ुबान बोली जाती थी वहाँ पर बच्चों को भेज देते थे, क्योंकि बच्चों की वो ज़ुबान सीखने की उम्र होती है तो बच्चा जो है वो प्योर लैंग्वेज, प्योर अरेबिक ज़ुबान सीखे। मक्का चूँकि अरबों का मरकज़ था और यहाँ पर दुनिया भर से काफ़िले आते थे, तजारती काफ़िले, और फिर दुनिया भर से लोग जो हैं वो हज के लिए भी यहाँ पर आते थे। तो ज़ाहिर है जिस जगह पर इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त हो वहाँ की ज़ुबान खालिस नहीं रहती। अगर बच्चा उस माहौल में परवरिश पाता है तो यकीनन वो ज़ुबान प्योर लैंग्वेज नहीं सीखता बल्कि वो मिक्स लैंग्वेज जो है वो सीख जाता है और उसका तलफ़ुज़ वो नहीं बनता जो कि प्योर अरेबिक तलफ़ुज़ है। इसलिए अरबों में ये रिवाज था कि ये अपने बच्चे दूर दराज सहराओं में भेज देते थे जहाँ पर दूसरे ममालिक के लोगों का आना जाना नहीं होता था और वहाँ के पुरफ़ज़ा माहौल में बच्चा ज़्यादा सेहतमंद भी होता था और प्योर अरेबिक लैंग्वेज भी सीखता था। लिहाजा इसी सिलसिले में आपके लिए दाया की तलाश शुरू हो गई। तो ये इस सिलसिले में सहराओं के जो कबीले थे वो भी मारूफ थे बच्चों को पालने के हवाले से। तो बनी साद का इलाका जो है वो बहुत मशहूर था। तो वहाँ से चंद दाया जो है वो बच्चों को लेने के लिए मक्का में आती हैं और उन्हीं में हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया बनी, वो भी तशरीफ़ लाती हैं। और ये सारा वाक़या हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़ुद अपनी ज़ुबानी बयान किया। वो फरमाती हैं कि हमारे इलाके में कहत पड़ा हुआ था, बहुत सख्त कहत था और खाने के लिए कुछ नहीं था, ज़मीनें बंजर हो चुकी थी। तो उस ज़माने में हम कुछ औरतें जो है वो निकली कि हम जाकर जो है वो मक्का से जो नए बच्चे पैदा हुए हैं उनको ले आए पालने के लिए, ज़ाहिर उसके साथ उजरत मिलती थी तो हमारे कुछ हालात बदल जाएंगे। तो वो फरमाती हैं कि जब हम अपने इलाके से निकले तो मेरे पास एक मरियल सी गधी थी, कमज़ोर सी, क्योंकि कहत था, खाने के लिए कुछ नहीं था। जब इंसानों के लिए नहीं था तो जानवरों के लिए कहाँ से आना था। तो कहते हैं मैं उसके ऊपर अपना जो एक छोटा बच्चा जो उनके यहाँ पैदा हुआ था उसको साथ लेकर बैठी और अपने शोहर हारिस के साथ जो है वो वहाँ से रवाना होती हैं। और उनके साथ एक ऊँटनी भी है जो कि बहुत कमज़ोर हो चुकी है और एक कतरा दूध का भी नहीं देती। बहरहाल इस कहते हैं उम्मीद पे हम घर से निकले कि बारिश होगी तो ज़ाहिर है घास हरी भरी होगी तो ये ऊँटनी घास खा कर जो है वो दूध देगी और हमारा गुजारा हो जाएगा। तो ये वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में चूँकि ये गधी बहुत ही मरियल और कमज़ोर हो चुकी थी, काफ़िले के जो दूसरे लोग हैं वो बार बार आगे निकल जाते थे, और फिर हज़रत हलीमा सादिया की उस गदी के लिए जो आहिस्ता चल रही थी उनको बार बार रुकना पड़ता था। बहरहाल किसी न किसी तरीके से ये मक्का में पहुँच गए, और मक्का में जितने भी उन दिनों में नए बच्चे पैदा हुए थे तकरीबन हर औरत को, हर जो दाई थी उसको वहाँ से वो बच्चा मिल गया। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी औरत के सामने, किसी दाई के सामने पेश किए जाते तो वो लेने से इनकार कर देती। वो इसलिए इनकार कर देती कि ये बच्चा जो है ये तो यतीम है, लिहाजा इसका जब वालिद ही नहीं था तो हमें इतनी अच्छी उजरत कौन देगा। तो किसी ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने के लिए वहाँ से कबूल ना किया। तकरीबन हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हर औरत के सामने ये बच्चा पेश किया गया। तो जब सब औरतों को मक्के से कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन मुझे कोई बच्चा ना मिला, क्योंकि अहले अरब ये भी देखते थे कि ये जिसके हवाले बच्चा कर रहे हैं उसकी अपनी हालत किस तरह की है। तो हलीमा सादिया फरमाती हैं कि चूँकि कहत की वजह से हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और वो हमारे कपड़ों से और हमारे चेहरों से आया थे, लिहाजा हज़रत हलीमा सादिया को किसी ने कोई बच्चा जो है वो ना दिया। तो आखिरकार इन्होंने अपने शोहर से कहा कि मैं तो बच्चा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी, लिहाजा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपनी गोद में ले लेती हूँ। लिहाजा इन्होंने जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लिया। तो दादा ने और वालदा ने इतने ज़्यादा पैसे दिए कि वो हैरान रह गई कि इतने पैसे तो बाप वाले भी नहीं देते जितने पैसे उजरत के यहाँ से मिले हैं। बहरहाल वो कहती हैं कि उस बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया और आकर जहाँ पर क़याम किया हुआ था मक्के में वहाँ पर पहुँचे, तो कहती है कि बच्चे को गोद में लेते ही कुछ बरकतें मेरे ऊपर नाजल होना शुरू हो गई। एक तो मुझे सुकून सा महसूस होने लग पड़ा, और फिर उनका कहना यह था कि मेरी अपनी छाती का दूध सूख चुका था, जब खाने को कुछ नहीं था दूध कहाँ से आना था। तो मेरे अपने बच्चे जो हैं वो सारी रात भूख की वजह से रोते थे, ना खुद सोते थे ना सोने देते थे, लेकिन जो ही इस बच्चे को मैंने अपनी छाती से लगाया तो इस बच्चे ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी भर कर दूध पिया। और फिर इनके रज़ाई बाई यानी हलीमा सादिया के जो अपने बेटे थे शीर खार उस वक़्त, उन्होंने भी जी भर कर दूध पिया। हलीमा सादिया हैरान हुई कि दूध कहाँ से आ गया। और फिर आपके शोहर हज़रत हारिस जो हैं, जब वो ऊँटनी जो कि एक कतरा भी दूध नहीं देती थी, जब उसके पास गए तो देखा कि उसके थन जो हैं वो दूध से भरे हुए हैं, तो उन्होंने उसका दूध दोया और हलीमा सादिया ने और हारिस ने जी भर कर दूध पिया। ये पहली बरकत थी जो उनके ऊपर वाजे हुई। फिर चूँकि सब औरतों ने बच्चे ले लिए हुए थे, काफ़िला बिल्कुल तैयार था अपने इलाके में बनी साद में जाने के लिए, तो ये अपनी अपनी सवारियों पर सवार हुए। और जब इन्होंने सफ़र शुरू किया तो वो गदी जो कि बड़ी मरियल थी, सफ़ेद रंग की, जो भूख की वजह से चलने के काबिल नहीं रही थी, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि वो इतनी तेज़ चली कि घोड़े उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, और मैं काफ़िले से आगे निकल गई। तो मुझे पीछे से काफ़िले वालों ने आवाज़ दिया, हलीमा ये वही गधी है जो चलती नहीं थी, इसे क्या हो गया। तो हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मुझे खुद नहीं मालूम, इसके साथ कोई ख़ास मामला रूनमा हुआ है। तो ये सारी फ्यूज़ो बरकत थी उस नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो ये सिलसिला यहाँ से चला, आखिरकार ये अपने इलाके में पहुँचे। तो हलीमा सादिया अपनी ज़ुबान से ही फरमाती हैं कि अब हमारी बकरियाँ चरने के लिए जाती थी, इलाके में कहत था, घास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, लेकिन शाम को जब बकरियाँ वापस आती तो उनके थन जो थे वो दूध से भरे होते थे, हम उनका दूध दोते, खुद पीते, बेचते, सारा मामला होता। जबकि जो दूसरे रेवड़ दूसरे लोगों के, हमारे हमसायों के जाते थे, उनको खाने के लिए वहाँ से कुछ ना मिलता, क्योंकि कहत का ज़माना था, बारिशें नहीं हो रही थी। तो कहती हैं कि मेरे हमसायों में जो औरतें थीं वो अपने शोहरों को ये कहा करती थी कि रेवड़ को वहाँ पर लेकर जाओ जहाँ पर हलीमा सादिया का रेवड़ चरता है। तो वो असहाब अपनी बकरियों को वहाँ पर ही लेकर जाते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वहाँ से कुछ ना मिलता, क्योंकि ये तो फ्यूज़ो बरकत थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हज़रत हलीमा सादिया के घर में आई थी, और मौजज़ाना तौर पर यह सिलसिला चल रहा था। हज़रत हलीमा सादिया की एक बेटी हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गोद खिलाया वहाँ पर। तो बहरहाल जब आप 2 साल की उम्र तक पहुँचे तो काफ़ी सेहतमंद हो चुके थे, लेकिन 2 साल की उम्र को जब आप पहुँचते हैं तो फिर उनका दूध छुड़ा दिया जाता है और वो आपको लेकर आपकी वालदा माजदा हज़रत आमना के पास वापस आती हैं और बच्चा उनके हवाले कर देती हैं। लेकिन फिर ख़ुद ही उनकी फ़यूज़ व बरक़ात की वजह से और जो मोहब्बत और लगन उस नन्हे हजूर से हो चुकी थी उसकी वजह से दोबारा दरख्वास्त आमिना से कि अगर आप मुनासिब समझें तो इस बच्चे को भी मेरे हवाले कीजिए। ये मज़ीद वहाँ पर उस पुरफ़ज़ा माहौल में परवरिश पाएगा, मज़ीद सेहतमंद हो जाएगा तो फिर आपके हवाले कर दूँगी। तो हज़रत आमना आपकी दरख्वास्त कबूल कर लेती हैं। लिहाजा आप हज़रत हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में उन्हें लेकर वापस अपने कबीले में आ जाती हैं और फिर जो है उनकी परवरिश वहाँ पर शुरू हो जाती है। आप फरमाती हैं कि जब मैं वापस उनको लेकर आई तो चंद माह के बाद एक बड़ा अहम वाक़या रूनमा हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेल रहे थे। ये हज़रत हलीमा सादिया के बच्चे थे, उनके साथ ये खेतों में खेल रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि कोई 2 अशख़ास जो हैं वो रूनमा हुए, नूरानी चेहरों वाले, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और आपका सीना चाक कर दिया। तो वो बच्चे जो देख रहे थे वो घबरा गए और वो दौड़ते हुए वापस हलीमा के पास आए और आकर कहने लगे कि मोहम्मद, ये सब लोग भागते हुए जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत मौजूद हैं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ है जैसे कि खून नाम की चीज़ ही नहीं है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या वाक़या रूनमा हुआ है तो उन्होंने भी यही वाक़या कहा कि कोई 2 लोग आए थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने मेरा सीना चाक किया और इसमें से अंदर कुछ टटोलते रहे, क्या करते रहे। अब बच्चे थे, जितना बयान कर सकते थे उतना किया। बहरहाल बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत आ गई तो ये वाक़या जब ख़ुद बयान किया कि वो 2 फरिश्ते थे जो आए और उन्होंने मुझे लटाया, मेरा सीना चाक किया और उसमें से दिल बाहर निकाला और उस दिल को चाक किया और उसमें से एक काला लोथड़ा को गोश्त का था वो निकाल के बाहर फेंक दिया। ये शैतान की तरफ से होता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है शैतान जो है उस बच्चे को छू जाता है। तो ये वो लोथड़ा था जो शैतान के हवाले से था, वो दिल में से निकाल के बाहर फेंक दिया गया और फिर आपके दिल को आबे जमसम से धोकर दोबारा जो है वो सीने में लगा दिया गया। तो अब जब हलीमा सादिया देखती हैं और उनके शोहर देखते हैं कि सीने पर कोई निशान भी नहीं है ताहम चेहरा उतरा हुआ है, अब आप इस वाक़े से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और आप बच्चे को लेकर जो है वो वापस, तकरीबन उस वक़्त आपकी उम्र को 4 साल के लगभग होगी, एक रवायत में है, वो वापस हलीमा सादिया के पास ले आती हैं और बच्चा उनके हवाले कर देती हैं, लेकिन बताती कुछ नहीं है। लेकिन हज़रत आमिना जो है वो महसूस कर लेती हैं कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनमा हुआ है, ये जो मुझे बच्चे को वापस कर रही हैं। तो पूछने पर वो सारा वाक़या बता देती हैं। तो वो कहती हैं हज़रत हलीमा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे पर कोई जादू हो गया है, कोई असेब का साया है। तो हज़रत आमना फरमाती हैं कि हलीमा, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से एक नेक रूह है और एक अजीम मुस्तकबिल इसका इंतज़ार कर रहा है, ऐसा कोई असेब इसके ऊपर नहीं है। तो बहरहाल अब वो बच्चा जो है वो नन्हे हजूर जो हैं वो अपनी वालदा माजदा के पास वापस पहुंच चुके हैं। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 4 साल है। 2 साल तक यानी 6 साल की उम्र तक आप फिर अपनी वालदा के पास ही रहे और उनके पास ही परवरिश पाई और इसी दौरान आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ सारा दिन खेलते थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब चूँकि मक्का के सरदार थे, आपकी मसनद जो है वो खाना काबा के साथ लगाई जाती थी, आप उस मसनद पर बैठते थे, ठीक है। लेकिन आपके 10 बेटों में किसी को जुर्रत नहीं थी कि आपकी मसनद पर बैठ सकें, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक़्त नन्हे थे, नन्हे बच्चे थे, वो अपने दादा के साथ मसनद पर बैठते थे। तो आपके चचा फ़ौरन उनको नीचे उतारने की कोशिश करते तो अब्दुल मुत्तलिब उनको मना फरमा देते, कहते नहीं, इस बच्चे को मेरे साथ ही बैठने दो, एक अजीम मुस्तकबिल इस बच्चे का इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल जब 6 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो आपकी वालदा माजदा आप अपने शोहर की मोहब्बत में उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए मदीना का सफ़र इख्तियार करती हैं। चूँकि आपको याद है, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला जब मदीना खजूरें लेने के लिए गए थे तो वहीं पर बीमार हुए और उधर ही फिर वफ़ात पाई और उधर ही दफन किए गए। तो आप अब सफ़र पर रवाना होती हैं तो आपके साथ नन्हे हजूर भी हैं और आपकी एक खादमा उम ऐमन भी है और नन्हे हजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैं। तो ये लोग सफ़र इख्तियार करते हैं, मदीना में पहुँचते हैं, कब्र की ज़ियारत फरमाते हैं, तकरीबन एक माह वहाँ पर क़याम करते हैं और वहाँ से फिर वापस लौटते हैं। लेकिन रास्ते में हज़रत आमना जो है उनकी तबीयत नासाज हो जाती है और काफ़िला जो है वो आगे निकल जाता है और ये चार लोग पीछे ही रह जाते हैं। चंद दिन बीमार रहने के बाद आप तकरीबन मक्का और मदीना के दरमियान अबवा का इलाका है जहाँ पर वफ़ात पा जाती हैं और वहीं आपको दफन कर दिया जाता है। बहुत बाद में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत जो है वो आ चुकी थी तो आप एक सफ़र पर जब वहाँ से गुज़रे तो वालदा की कब्र पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है वो बिलक बिलक कर रोते हैं जैसे कोई बच्चा रोता है वालदा की मोहब्बत में। तो बहरहाल वहाँ पर अब आप जो है आपकी वालदा का साया भी आपके सर से उठ चुका था, 6 साल की उम्र थी उस वक़्त। अब आप अपने दादा के मैयत में आ जाते हैं, आपके दादा आपकी परवरिश करना शुरू करते हैं। आपने आपके दादा ने आपकी परवरिश अपने बेटों से बढ़कर की क्योंकि आप अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी थे, इसलिए आपसे हर एक की मोहब्बत हो जाना एक फितरी अमर था। आप में ऐसे खसाइल और ऐसे मामला थे कि हर एक को आपसे मोहब्बत हो जाती थी। आपको याद होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दिया करते थे तो एक खजूर का तना था, उसके ऊपर हाथ रख कर जो है वो खुतबा देते थे और जब मिंबर बना तो आपने फिर मिंबर के ऊपर जब तशरीफ़ ले गए तो वो तना बिलक बिलक कर रोता था। यानी ये लोगों ने देखा, सहाब ने देखा कि वो बिलक बिलक कर रो रहा है कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुझसे छूट गया। तो जब दरख्तों का ये मामला होगा तो इंसानों की तो बड़ी दूर की बात है। तो इंसान हर एक को आपसे मोहब्बत हो जाती थी। बहरहाल फिर 2 साल तक आपके दादा आपकी परवरिश करते रहे। 8 साल की उम्र जब आपकी हुई तो आपके दादा भी रहलत फरमा गए और आपने अपनी वफ़ात से पहले ही आपके चचा अबू तालिब से ये वादा ले लिया था कि मेरे बाद तुम इस बच्चे की निगहदाश्त करोगे। लिहाजा अब 8 साल की उम्र को जब दादा भी रहलत फरमा गए तो फिर अबू तालिब जो कि आपके सगे चचा थे उन्होंने आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली और अबू तालिब की बीवी फातिमा जो थी उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत की कि अपने बच्चों से बढ़कर आपकी परवरिश की। घर में अबू तालिब इतने अमीर नहीं थे, यानी गुर्बत का मामला था, अगरचे मक्का के सरदार थे, लेकिन यह है कि अगर कहीं घर में फाका होता तो मोहम्मद को खाना ज़रूर दिया जाता, बच्चों को भूखा रखा जाता, यानी उनके साथ मोहब्बत का ये मामला था। एक दफ़ा मक्का में कहत पड़ गया, एक अरसा से बारिश ना हुई, तो लोगों ने आकर अबू तालिब से कहा कि आप खाना काबा पहुँचें और बारिश के लिए दुआ करें। अब लोग वहाँ पर मुंतज़िर थे तो अबू तालिब जो हैं जब रूनमा होते हैं तो उंगली पकड़े हुए एक बच्चा साथ आ रहा है, यानी वो 8 साला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आप आए और आपने आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की दीवार के साथ लगाया और अभी दुआ मांगनी भी शुरू नहीं की थी, आसमान की तरफ देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से उसी वक़्त आसमान पर जो है वो बादल आ गए और इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि मक्का में सैलाब आ गया और हर तरफ जो है वो सरसब्ज़ो शदाब जो है वो पौधे जो हैं वो बाहर निकल आए। तो ये आपकी फ़यूज़ो बरक़ात थी जो आपका सिलसिला ये चला आ रहा था। जब आप 12 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो अबू तालिब ने शाम का सफ़र इख्तियार किया तजारत का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले गए। जब आप एक शाम के सफ़र के दौरान एक इलाका आता है जहाँ पर एक ईसाई पादरी जिसका नाम बुहेरिया राहिब था वो वहाँ पर मौजूद था अपने कलीसा में, बड़ा मशहूर राहिब था वो, और उस वक़्त ज़ाहिर है ईसाई मज़हब ही असल मज़हब था। इस्लाम जब आता है तो फिर पिछले मज़ाहिब ख़त्म हो जाते हैं। तो वो बड़ा नेक और पारसा था और उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि एक आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर जो हैं इस खजूरों वाली सरजमीन में पैदा होने हैं। उनकी तमाम निशानियां मौजूद थी, वो पैदा होंगे तो यतीम होंगे, ठीक है, इस तरह की निशानियां उनकी सारी की सारी किताबों में लिखी थी। तो वो ईसाई लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह यहूदियों की किताबों में भी आपका तज़किरा था, वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि एक आखिरी पैगंबर जो है इस सरजमीन में आएगा। और उसी के इंतज़ार में यहूदियों ने फ़लस्तीन छोड़कर मदीने में आकर सकूनत इख्तियार की थी, मदीने में आकर रहने लगे थे कि यहाँ से चूँकि वो पैगंबर पैदा होना है तो चूँकि वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे हमारी नस्ल में से होगा, क्योंकि सारे पैगंबर हम में से आ रहे हैं, लहदा हम में से ही को पैदा होगा। तो ये जब ये शाम की तरफ जो काफिला जा रहा था, ये जब वहाँ से गुजरा तो उस बुहैरिया राहिब ने देखा कि ये काफिला गुजर रहा है, ये जिस तरफ से गुजरता है दरख्त जो हैं उसको सजदा करते हैं, उसने झुकते हुए देखे, पत्थर जो हैं वो झुक रहे हैं उसके आगे। तो वो फौरन समझ गया कि इस काफिले में कोई ना कोई नेक रूह मौजूद है और जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसने खजूरों वाली सरजमीन में पैदा होना है, कहीं वो इसी काफिले में मौजूद तो नहीं है। लिहाजा उसने क्या किया कि उसने तमाम काफिले को दावत दे दी कि सारा काफिला जो है वो मेरी तरफ आए और आकर खाना खाए। तो सब लोग आए, तो उसने सब लोगों का बगौर मुताला किया, लेकिन उसको उन लोगों में कोई निशानी नज़र ना आई कि इसमें वो पैगंबरों वाली निशानी किसी बंदे में नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप कोई बंदा पीछे तो नहीं छोड़ आए? उन्होंने कहा नहीं, हमने पीछे किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर सवाल किया, यकीनन किसी को पीछे छोड़ा होगा। उन्होंने कहा हाँ, सिर्फ एक बच्चा है 12 साल का, उसको ज़रा घोड़ों की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बुहैरिया राहिब के अल्फाज थे कि तुम लोगों ने ये क्या किया, क्या जुल्म किया, जाओ उस बच्चे को भी लेकर आओ। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उस वक्त 12 साल की उम्र के थे, उनको लाया गया, तो उनको जब वहाँ पर बिठाया, वो भी खाने में शरीक हुए, तो बुहैरिया राहिब जो है वो पूरे खाने के दौरान बगौर आपका मुतालिया करता रहा, मुशाहिदा करता रहा। उसको सारी निशानियाँ वो मिल गई कि ये वही पैगम्बर है जिस ज़ाहिर अभी नबूवत तो आपको नहीं मिली थी, लेकिन आप इस दुनिया में तो तशरीफ़ ला चुके थे। तो फिर एक आखिरी निशानी जो उनकी किताबों में लिखी हुई है कि इनकी पुश्त पर एक बैजवी निशान होगा जो कि मोहर नबूवत है। तो वो बच्चे के पास पहुँचे और कहा है बच्चे अगर तू इजाज़त दे तो मैं तेरी पुश्त देख सकता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त से कुर्ता उठाया तो फ़ौरन वो मोहर नबूवत नज़र आ गई और उसको यकीन हो गया कि यही वो बच्चा है जिसने कल कला को पैगम्बर बनना है। तो आपने अबू तालिब से जब उनके बुलाने से पहले पूछा तो उनको कहा कि ये जो बच्चा है ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरा बेटा है। अबू तालिब चचा जिन्होंने गोद लिया हुआ था कहने लगे ये मेरा बेटा है। बुहैरिया राहिब ने नहीं कहा नहीं, तुम्हें गलती लग रही है, तुम झूठ बोल रहे हो, इसका बाप तो जिंदा नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा हाँ, ये मेरे भाई का बेटा है, लेकिन मेरा भी तो बेटा ही हुआ ना। तो फिर उसने अबू तालिब को अलहदा करके बता दिया, याद रखो ये बड़ी ही मुक़द्दस रूह है, ये अल्लाह का आखिरी पैगंबर है, इसको तुम जहाँ पर लेकर जा रहे हो यहूदियों से इंतहाई ख़तरा है, इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि इसकी हिफाजत फरमाओ और इसको वापस ले जाओ। लिहाजा आपने अबू तालिब ने ये बात सुनकर उसी वक़्त चंद ग़ुलामों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिया। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 साल की उम्र तक पहुँचने के चंद अहम वाक़या, तो बहुत से होंगे लेकिन चंद अहम वाक़यात आपके सामने रखे हैं कि आप में ज़ोक शौक़ पैदा हो और आप सैर हासिल किस्म की इसकी स्टडी कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पूरी ज़िंदगी का मुताला कीजिए। तो बहुत सारे गोशे आपके सामने ऐसे आएंगे जो आपकी ज़िंदगियाँ संवार देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।